खबर अयोध्या से है, जहां दिल्ली के संत रविदास के 500 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़े जाने, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के निशुल्क प्रवेश रोके जाने, सरकारी विभागों के निजीकरण, रिक्तियों को ना भरे जाने, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न एवं शोषण समेत महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अमानवीय कृत्यों जैसी मांगों को लेकर सदर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए समिति के जोनल कोऑर्डिनेटर हृदय नारायण ने कहा कि वंचित समाज आज जा चुका है, अब वह अपने ऊपर हो रहे जुल्मों का मुंहतोड़ जवाब देगा। जिलाध्यक्ष सुनील बोध ने कहा कि सरकारों का मनमाना रवैया अब नहीं चलने वाला, अब उनको वंचितों की आवाज सुननी होगी। हमने आज तमाम जन समस्याओं और महिला उत्पीड़न आदि को लेकर नायब तहसील सदर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और अगर जल्दी हमारी मांगों पर सरकार उचित कदम नहीं उठाती तो हम जन आंदोलन करेंगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न मुद्दों को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग यह है स्थानीय लेवल पर कि ये सुभाष नगर के रहने वाले दलित परिवार के महिलाएं बच्चे हैं, इनको दबंगों ने मारा पीटा है और घर से भगाने का काम किया है और ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल एक समिति गठित करके इनकी मांगों को जांच करा करके उसको मांगने का काम करें, जिससे इनको अपना घर मुहैया हो सके और ये मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से मुक्त हो सके।